वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक वताल के अस्मा हुसन में से सतासठवा नंबर सिक्सटी सेवन जी और वह अल वाहिदु अल अल इसका मन अकेला तन तनहा जी वाहिद और ये अल्लाह तबारक वत काती का नाम है और कुरानी करीम में बाईस मरतबा ट्वेंटी टू टाइम अल्लाह तबारकव इसको मुख्ती जगह पर दोहराया है और बड़ा अजीब गरीब नाम है इसके जो है वो अदद कबीर उन्नीस हैं नाइनटीन और इसका जो है जो, जो मुफरत अदर जो है वो एक है हाँ तो बड़ी बरकत हैं सबसे पहले इसका फ़ायदा यह है कि अगर इंसान के दिल में मखलूक का खौफ हो स्पेसिफिक किसी ख़ास बंदे का खौफ दिल के अंदर है या वैसे जो है खल के खुदा का खौफ उसके ऊपर तारी है और मखलूक में ज़ाहिर है कि चरिंद परिंद दरिंद इंसान हेमान सब शामिल हैं तो ऐसा को खौफ उसके कलब के अंदर हो और वह अपने दिल को बेखौफ करना चाहता है तो इस नाम में बड़ी तासीर है और उसके लिए वो उसको दो जरबी दो जरबी जिकर करना होगा दो जरबी का मतलब है कि एक जरब सीधी तरफ लगानी है दूसरी ज़रब उल्टी तरफ इसको दो जरबी कहते हैं तो उस दो जरबी के साथ ही इसका विरध करना है और ये कहना है या अल्ला या वाद या अल्ला या वाद तो पहली सीधी जर लगानी है या अल्लाह की सीधी तरफ और या वाद उल्टी तरफ इस अंदाज़ से एक हज़ार मरतबा पढ़ना है अगर एक हज़ार मरतबा ना पढ़ सके तो अपने नाम की अदद निकाल ले तो अपने नाम के अदद को तीन के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो फिर उसके मुताबिक जो है वह इसका वर्द करे ठीक ये भी ना कर सके कि तीन मरतबा मल्टीप्लाई करने से बहुत ज़्यादा हो गया हज़ार से भी ऊपर चला गया तो फिर तीन सौ तेरह दफ़ा ये जो है सब बदर का अदद जो है इससे भी जो है वो हैब्बत और जो है वो असमत गैरुल्ला की निकलती है तो इस नीयत से ये पढ़े कि या अल्लाह या वाद अला की ग्यारह मतद्रशी तो पढ़ ले और उसके बाद सीने पर दम करके दुआ कर ले ऐसा बेखौफ अल्लाह इसको कर देंगे कि अल्लाह के अलावा अल्ला किसी का खौफ दहशत इसके कलब पर नहीं रहेगी ये इसकी कल भी कैफियत हो जाएगी दूसरे इसके अंदर तसी यह है कि गैरुल्ला की मोहब्बत दिल से निकालनी है एक तो अल्लाह के हर गैर की मोहब्बत दिल से निकाले या ये कि स्पेसिफिक किसी की मोहब्बत उसके दिल में जम गई और वो ऐसी मोहब्बत है जो इसके लिए मुजिर और नुकसानदेह हो रही है या आज की दुनिया में कि किसी नाजायज मोहब्बत में फंस गया है उसको निकालना है या औलाद में से कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची वो किसी नजायज़ मोहब्बत में मुबतला हो गई है जैसे आज के कल्चर मॉर में होता है तो उसकी मोहब्बत उसके दिल से निकालनी है तो उसके सीधे रहा लगाना है उसके लिए भी इसमें ज़बरदस्त तासीर है उसके लिए ये एक हज़ार मरतब पढ़ा जाता है एक हज़ार मरतब पढ़े और उसके अंदर यूँ पढ़ना है या वाहिदुल आहदु या वाहिदुल आहदु तो एक तरफ़ वाहिदु की जरफ़ लगानी है अल आहदु की लगानी है तो या वाहिदुल आहदु हज़ार ना कर सके तो यह बच्चा या बच्ची या स्पेसिफिक जो बंदा है, उसके नाम की अदद निकाल ले उसके नाम की अदद के मुताबिक या वाद अलादू का विद्ध करे तो जर्ब लगा के पानी भी दम करे अगर उसको पानी पिला सकता है तो दी बेस्ट नहीं पिला सकता तो वो पानी जो है वो पौधों में डाल दे फूलों के पौधों में डाल दे उसकी तरफ तो ये फोर्टी वन डेज पाबंदी से कर ले अल्लाह तबारक बता रहे उसके दिल से वो नाजायज़ हराम मोहब्बत निकाल देंगे और उसके दिल को पाकीजा कर देंगे सुबह इसमें तासीर और एक बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि किसी को ये चाहता कि नेक साल औलाद पैदा हो एक तो एक औलाद नहीं हो रही दूसरे के औलाद हो तो नेक साले हो क्योंकि कहते ना कि एक हो है? पर नेक हो वही वाली बात है बस औक़त बंदा ये सोचता है उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है उसका तरीका ये कि या वाद वाहिद वाद अहद को मिलाना है तो या वाद अलादू जो है वो शौर अपने नाम की अदद निकाले और बीवी के नाम की अदद निकाले दोनों अददों को जमा कर ले अब मसला पाँच सौ ग्यारह बन गया तो एक कागज़ के ऊपर पाँच सौ ग्यारह मरतबा ये लिखना है, या अहदु वाहिदु या वाहिदुल अहदु या वाहिदलाहदू पाँच सौ ग्यारह मरत लिख के उसको फोल्ड करके एक तवीस सा बना ले मर्द या औरत उसको गले में डाल ले या अपने अंदर शमीज़ वगैरह में पिन से लगा के रखे तो अल्लाह के नाम से एक तो एक औलाद तो नसीब हो जाएगी और दूसरा एक, तो एक नेक साले औलादों की यह इस पर बड़ी ज़बरदस्त तासीिर है और जहर के बहुत से लोग औलादों के हवाले से औलाद नहीं हो रही वो वो भी काम होगा और होगी भी इन शाह कहते हैं कि नेक हो भले एक हो वो ज़बरदस्त यही था और एक इसमें बड़ी तासीर है कि आदमी चाहता है कि ऐसी अजायबात जाहिर हो मुझ पर आम मुशाहे की ज़िंदगी में या खबों की ज़िंदगी में कि जिससे मेरी ईमान और अमरे साले और मार्फत में इजाफ़ा हो एक अजायबात तो ऐसे जो दुनिया के हैं जिससे तफरी हो गई लेकिन ये ऐसे अजायबा ओ कि जिससे जो है मेरे ईमान और मार्फत में इजाफा हो <perfektionic> वो बेदारी की ज़िंदगी में भी हो सकता है और नींद की ज़िंदगी में भी उसके लिए इसमें नाम में बड़ी तासीर है उसके लिए या वाहिद की जाए वह जरब कल्ब पे लगानी है दिल पर और ये यक जरबी यक ज़रब की मतलब एक ही ज़रब होगी या वाद या वाद या वाह या वाद दिल पर एक इज्वर लगेगी तो ये शुरू में ग्यारह मरतुरशब पढ़ ले आखिर में ग्यारह मरतुर इब्राहिम पढ़ ले पढ़ के जे या वाहिदु की ज़रब लगानी अब कितनी बार लगानी है अब उसमें दो सूरतें एक तो एक अपने नाम के अदर निकाल ले उसको तीन से मल्टीप्लाई कर ले दूसरा ये कि ग्यारह सौ मरतबा ग्यारह सौ मरतबह की ज़रब लगानी है ये दरमियान में तो इसलिए और ये कि जब जरब लगाता रहे जब एक हाथ वक्त वक्फा चाहता है तो उस वक्फे के दौरान में कुल अल्लाह पढ़े वक्फ़े में करअल्लाद अल्लासमलम यूरद वलमकुन अहद करके फिर या वाहिद या वाहिद फिर जर्ब लगाए इस तरीके से करे और ये फोर्टी वन डेज पाबंदी से करे इन श्लाजायबा का मुशाह करेगा और ऐसे अजयबाद जो इसके इल्मार इजाफ़ इस में इजाफ़ा कर देंगे इसमें ज़बरदस्त तसर है और ख़्वाब में अगर जी ये नाम देखा सुना तो इसका मतलब अल्लाह तबारक व तला इसको नेक साले बेटा ता फरमाएंगे जो खूबसूरत खूबसूरत भी होगा और नेक ना नाम और नेक काम भी होगा जी उसके लिए बशार सुबहान सुबहान हजरत बहुत काम की बातें हैं प, है। मैं शुरू से ही पूछूँगा आपसे आपने फरमाया कि खौफ खौफ औ, और हैबत दूर करने का चाहे वो जानवर हों जैसे जा, 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 सांप और इस किस्म की बिल्गुण लोगों को फोबिया होता है ठीक है, है? है तो तो ऐसी चीजों को दूर करने के लिए और और लोगों लोग जिन भूतों से भी डरते हैं घरों में डरते हैं तो इससे वो भी दिल में मजबूती बिल्गुण। पैदा हो के डर खत्म हो जाए तो ये ये एक आम सा मसला है बड़ा तो 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 ये एक बड़ी जरूरी चीज है जो आपने आज बताई दूसरे आपने एक बात ये बताई कि जो 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 आ, ऐसे ऐसे लोगों के दिलों में जो प्यार मोहब्बत छाई हुई है जो के गलत है ना जायज है और कितनी माँओं के यहाँ फोन आते हैं हाँ। कि हमारे बच्चे को बचाएं फलानी से यही है ना तो उसके इस्तेमाल के लिए ये आपने नुस्खा बता दिया आज आपने तावीज़ लिखने का तरीक़ा भी बदल दिया <laughs> कि तावीज़ खुद ही लिख लें ठीक है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं खुद ही लिख लें अपनी ज़रूरत के हिसाब से और इस्तेमाल करें और नेक और साले औलाद हासिल करें ठीक है ना तो 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 ये 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 बड़ी बात है और और एक जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ईमान का ईमान फ़्रोज़ होना ठीक है हमारा ईमान तो है लेकिन ईमान में शिद्दत, शिद्दत और 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 सही अच्छा ईमान अच्छा मजबूत ईमान चाहिए तो ये तो नुस्खा है हमारे पास कि अपने ईमान को कैसे मजबूत करना है तो तो ये ये सारी बातें सुन के हम अगर इस पे अमल करें और 1100 दफ़ा या हज़ार दफ़ा या 313 दफ़ा पढ़ने की बातें हैं कोई कोई मुश्किल बातें बात है नहीं हैं और, और थोड़ा सा वक्त निकालें इकतालीस दिन के लिए ये काम करें और अपने मसले को हल करें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो, तो तो मतलब आप यहीं बैठ के सबके मसाइल हल कर देते हैं चंद मिनटों में तो ये समझने की बातें हैं अगर लोग समझें इसको बहुत नवाजश बहुत शुक्रिया